नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले नीट 2019 का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हुआ था और कल इसका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, जो कि एक आंसर की टाइप होता है, वो जारी कर दिया गया है। तो उसको जारी करने के बाद बोर्ड द्वारा कितने बोनस मार्क्स जो है वो दिए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मेरा सही था, इसका आंसर जो बोर्ड द्वारा आंसर दिया गया है उससे मैच नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। फ्रेंड्स, जैसे वैसे तो बोर्ड द्वारा जो है मैंने एग्ज़ाम जो आंसर की है वो चेक की थी, तो सभी क्वेश्चंस को चेक किया। बोर्ड द्वारा किसी भी क्वेश्चंस पर जो बोनस मार्क्स है उसका ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स जो हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी उसमें देखा था, उसमें क्वेश्चंस हमने देखे थे, उस पर उनके 2 से 3 आंसर्स जो है वो निकल रहे थे। तो बोर्ड ने उनमें से एक ही आंसर को सही माना है, यानी कि बोनस अंक्स को प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन लेकिन बोर्ड द्वारा एक ऐसी घटना भी घटित हुई है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि जो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि ये जो है वो बुक कोड P2 का P2 है। P2 में जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 13। P2 में क्वेश्चन नंबर 13, इसके बोर्ड ने 1 और 2, यानी कि दोनों मार्क्स जो है वो, दोनों ऑप्शन जो है वो सही माने हैं। बोर्ड ने क्वेश्चन नंबर 13 के, जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के, उसके 1 और 2 जो ऑप्शन थे वो दोनों बोर्ड ने सही माने हैं। तो अगर आपके जो आंसर वो 3 और 4 नंबर ऑप्शन है, तो इसके खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हैं, आपको बोनस मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं, 99.99%। और अगर आप अन्य क्वेश्चंस पर भी चैलेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि बोर्ड ने जो आंसर दिया है वो गलत है और आपके द्वारा दिया गया जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं चैलेंज करने की प्रोसेस जो है वो क्या रहती है। तो सिंपल है बिल्कुल ही। आप जैसे कि आपने मान लिया, जैसे कि हम मानते हैं कि आप 9 नंबर क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर जो बोर्ड द्वारा दिया गया है 1 नंबर, और इसका सही आपका निकल रहा है 2 नंबर, तो आपको इस पर चैलेंज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे एरो का निशान आ जाएगा, उसके बाद आपके सामने इस वाले ऑप्शन में 4 ऐसे डॉट दिखेंगे, यानी 1 2 3 4। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको उस डॉट पे क्लिक करना है जो आपका सही है, यानी कि बोर्ड ने तो अपना आंसर दे दिया, यानी कि बोर्ड का है 1 नंबर सही। आपका कितना नंबर सही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको देना है रिमार्क्स, यहाँ पे बॉक्स आएगा रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या देना है, रिमार्क्स में वो सब देना है कि आपको किस हिसाब से आप इसे सही बता रहे हैं, यानी कि कौन सी बुक्स के, कौन से राइटर की कौन सी बुक्स के कौन से पेज नंबर पर ये दिया गया है कि आपके द्वारा दिया गया वो आंसर वो सही है, यहाँ पे वो आपको रिमार्क्स देने हैं। और सिंपली आपको की चैलेंज, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा की चैलेंज का, यहाँ पे आपको टिक करना है। आपका जो ऑब्जेक्शन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन चैलेंज जो स्वीकार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, तब आपको इसका अगर बोनस मार्क मिलता है तो आपको बोनस मार्क प्रदान किया जाएगा, अन्यथा इसी प्रोसीजर को, इसी आंसर की को जारी रखा जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। तो फिलहाल तो बोर्ड द्वारा कोई बोनस अंक की, यहाँ पे बोनस अंक का नहीं बोला गया है, लेकिन स्टूडेंट्स इस पे कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से क्वेश्चंस पे चैलेंज करते हैं वो आगे देखने की बात है। वो फाइनल आंसर की जब भी, यानी कि 4-5 दिन के अंदर जारी की जाएगी, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको बोनस अंक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो बोनस मार्क्स को लेकर। तो वीडियो कैसी लगी और आपका इसके रिस्पेक्टिव में का क्या सजेशंस है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।